हमारे धर्म ग्रंथों में ज्ञानी संतों एवं भक्तों के द्वारा हृदय मंदिर में परमात्मा के दर्शन का वर्णन किया गया है। मानव का हृदय ही सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, इसलिए सभी संतों एवं भक्तों ने परमात्मा का साक्षात्कार अपने हृदय मंदिर में ही किया। परंतु शास्त्रों एवं संतों का मत है कि परमात्मा के सच्चे स्वरूप का दर्शन चरम चक्षुओं द्वारा संभव ही नहीं है। सूफी संतों का भी यही मत है, उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। प्रभु के दर्शनार्थी दीवानों की चाल ही कुछ अटपटी होती है, वे प्रभु दर्शन के लिए बाहरी आँखों को बंद कर लेते हैं। मीराबाई का कथन है, सखी मैं गिरधर के रंगराती, पंचरंग चोला पहिर सखी मैं झुरमुट खेलन जाती, वह झुरमुट में मिलो सावर खोल मिली तन गाती। मीरा इस पंच तत्व के चोले में झुरमुट का खेल खेलती हैं, जिसमें उसे सावरिया अर्थात ईश्वर का दर्शन होता है। झुरमुट का खेल कहते हैं आँख मिचौनी के खेल को। आँख मिचौनी के खेल में बाहरी आँखों को बंद कर लिया जाता है। मीरा का कथन है, जब मैं बाहरी आँखों को बंद करती हूँ तो मुझे प्रभु का दर्शन हो जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है, दीदार की तलब के तरीकों से बेखबर, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग। इन आँखों से न जलवा करे कोई, है देखना तो दीदारे दिलवा करे कोई। अगर प्रभु का दर्शन करना है तो इन आँखों से उसका दर्शन संभव नहीं है, दिल की आँख से उसका दर्शन हो सकता है। संतों ने भी क्या खूब कहा है, घट में है भगवान योगी ध्यान धरे, इन आँखों की बात न करिए, दिव्य नैन से दर्शन करिए, गीता का प्रमाण योगी ध्यान धरे घट में। श्रीमद् भगवत गीता का प्रमाण है कि इन आँखों से भगवान का दर्शन नहीं होता। अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह स्वरूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी आत्म स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। उस अलौकिक ज्योति स्वरूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझे इन प्राकृतिक नेत्रों के द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मुझ योगेश्वर को देख। श्रुति भी यही कहती है कि उस परमात्मा को न तो बाहरी नेत्रों के द्वारा देखा जा सकता है, न वाणी अथवा किसी और अन्य इंद्रियों के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। उसकी प्राप्ति तपस्या या किसी बाहरी कर्म कांडों के द्वारा भी संभव नहीं है। विशुद्ध रूप परमात्मा का दर्शन निर्मल बुद्धि युक्त साधक अपने अंतःकरण में ज्ञान नेत्र के द्वारा करता है। बाइबल में भी कहा गया है, If therefore thine eye be single, the whole body should be full of light। जब तेरी दृष्टि मात्र एक हो जाएगी तो तुम्हारा संपूर्ण शरीर प्रकाश से परिपूर्ण हो जाएगा। तात्पर्य है कि सूक्ष्म दृष्टि से अंतर्दृष्टि से ही परमात्मा की ज्योति को हृदय मंदिर में देख पाना संभव है। बाह्य नेत्र नाशवान है, इन नेत्रों से नाशवान सृष्टि के ही दर्शन हो सकते हैं। दृष्टि भी दो प्रकार की होती है, एक बाह्य दृष्टि और दूसरी आत्म दृष्टि। जिस दृष्टि से अंतरात्मा के दर्शन होते हैं उसे विद्वान लोग आत्मदृष्टि, अंतरदृष्टि, ज्ञान दृष्टि, दिव्य दृष्टि, अलौकिक दृष्टि आदि नामों से अभिहित करते हैं। हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार ज्ञान दृष्टि के खुल जाने से नष्ट हो जाता है। विशुद्ध आत्मा पुरुष ज्ञान दृष्टि के द्वारा ही अपने स्वरूप का दर्शन करता है। यह शरीर ईश्वर का दिव्य मंदिर है, इसके अंदर विराजमान पूर्ण पुरुष अंतर्दृष्टि से ही देखा जा सकता है। जब तक ज्ञान की दृष्टि नहीं खुलती है तब तक उस पर ध्यान नहीं लगता है, क्योंकि ध्येय के बिना ध्यान संभव नहीं। इसलिए दिव्य दृष्टि की प्राप्ति से सुरति निरति में लो लगती है। सहजोबाई भी कहती हैं, बाबा काया नगर बसायो, ज्ञान दृष्टि सुघट में देखो, सुरति निरति लो लाओ। संत भीखा साहब ज्ञान रूपी दिए के प्रकाश में अपने गुरु की विमल आरती करते हैं, परंतु वे उस प्रकाश का दिव्य दर्शन अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा ही करते हैं, जो दिन रात प्रकाशमान है। सतगुरु कृपा जाहि तेहि पासे, दिव्य आरती करत मिलन के आसे, ज्ञान दीप प्रकाश सोहाती, दिव्य दृष्ट हेरत दिन राती। दिव्य नेत्र को ही विभिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नामों से अभिव्यक्त किया गया है। इसे ही ज्ञान नेत्र, ज्ञान
ज्ञान चक्षु, आलौकिक नेत्र, शिव नेत्र, दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र, विवेक नेत्र, गुरु नेत्र, डिवाइन आई, चश्म ए बसीरत आदि कहा जाता है। जब जिज्ञासु को सच्चे सदगुरु मिलते हैं तो वह उसके दिव्य नेत्र को खोलकर उसके हृदय मंदिर में ही परमात्मा के परम प्रकाश रूप का दर्शन करा देते हैं। पुष्कर तीर्थ निवासी संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, काया नगरी बीच मनोहर त्रिकुटी महल सुहंत, तिसके ऊपर बसे निरंजन जगमत ज्योत जगंत, नेत्र बंद कर दृष्टि जमावे निश्चिन ध्यान धरंत, आसन थिर कर साधन कीजे बैठे भवन एकंत। शरीर रूपी नगर में त्रिकुटी नामक सुंदर एवं मनोहर भवन है, उसके ऊपर निरंजन परमात्मा की ज्योति निरंतर जगमगाती रहती है। जब साधक बाहर की आंखों को बंद कर त्रिकुटी के मध्य में अपनी दृष्टि को स्थिर कर एकांत में ध्यान करता है तो उसे परमात्मा की ज्योति का दर्शन और साक्षात्कार होता है। वस्तुतः जब जिज्ञासु सदगुरु की कृपा से दिव्य नेत्र को प्राप्त ध्यान की साधना करता है तब उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है।